अगली खबर रायपुर से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर मचा घमासान। जी हां, सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। किसानों के मुद्दे को लेकर सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बीच ट्विटर वार छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शायराना अंदाज में ट्विटर कर सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला है। उन्होंने धान खरीदी को लेकर कमेटी बनाए जाने को लेकर किसानों के साथ विश्वासघात करार किया है। रमन सिंह ने कहा कि कमेटी के कांधों पर अपने वादे कब तक लादोगे, हर मोड़ पर जनता पूछेगी कितनी दूर तलक भागोगे। जी हां, सीएम भूपेश बघेल जी झूठे वादों और खोखली कमेटियों का क्या निष्कर्ष निकालते हैं, वह तो जनता शराबबंदी के वादे पर भी देख चुकी है। अब किसानों के साथ पुनः यही विश्वासघात स्वीकार्य नहीं है। वहीं फिर रमन सिंह के शायराना अंदाज में किए गए हमले का जवाब सीएम भूपेश बघेल ने शायराना अंदाज में दिया है। उन्होंने नान घोटाला और पनामा पेपर्स को लेकर प्रति उत्तर दिया। इसके साथ ही सीएम ने किसानों को धान के समर्थन मूल्य पर भ्रम में ना पड़ने के लिए कहा है और एक बार फिर उन्हें 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी दिए जाने का आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा कि कैसे कैसे ये मंजर सामने आने लगे, नान वाले धान पर सवाल उठाने लगे, वादा किया है किसानों से। जी हाँ, हर हाल में निभाएंगे पनामा नहीं, किसानों को जेब भरकर दिखाएंगे। किसान भाई ध्यान रखें, भ्रम में ना आए, आपको भूपेश 2500 रुपए प्रति क्विंटल ही धान का मूल्य दिलवाएगा। कि 15 वर्ष डॉक्टर रमन सिंह धान की खरीदी किए, एक दिन भी उसको विषय नहीं बनाए। आज किसान पर और धान पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस का चेहरा आज उजागर हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि पहले बार जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के धान को डुबा करके देखा, और आज मुख्यमंत्री ने अपने खुद वक्तव्य में कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदेंगे और बाकी के लिए कमेटी बनाएंगे। एक कमेटी का हम लोगों ने हश्र देख लिया है कि पूर्ण शराबबंदी की बात की थी, आज तक उसका न कोई रिपोर्ट आ रही, न कोई बैठक हो रही है, और उसी प्रकार से धान को लेकर के वो कमेटी बनाएंगे। इसका ये मतलब है कि किसान 2500 रुपए से वंचित हो गए हैं, और निश्चित रूप से किसानों में इसको लेकर के बड़ा आक्रोश है। और किस प्रकार से कांग्रेस झूठा वादा करते हैं और जब निभाने की बारी आती है तो उसको भूल जाते हैं, आज इससे अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। उपस्थिति में विक्रम उसेंडी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे सभी विधायक साथी, संगठन के हमारे सभी पदाधिकारियों ने तय किया इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के पूरे 1380 जो सहकारी समिति है जहाँ धान खरीदी होती है, वहाँ पर किसानों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपया धान के कीमत धान खरीदी के साथ देने के लिए हम एक दिवसीय पूरे प्रदेश व्यापी धरना देंगे और वहीं ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि धान खरीदी की व्यवस्था हो और धान का कीमत 2500 रुपये जो उनकी घोषणा पत्र है उसके अनुसार मिले। ये प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा और फिर विधायक लोग 2 तारीख को महामहिम राज्यपाल से मिलकर ये जितने हम अलग से ज्ञापन इसी विषय को लेकर महामहिम से मिले। विधानसभा में क्या होगा इसको लेकर, क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है? नहीं, विधानसभा में अब बाकी मुद्दे उठाएंगे, मगर इस मुद्दे में तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, तो एक प्रकार से कांग्रेस पीछे हट गई, जो वादा और जो जन घोषणा पत्र है वो पीछे हट गया। कांग्रेस ने एक ऐलान किया था, दिल्ली कूच करने की बात कही थी 2500 रुपए समर्थन मूल्य को लेकर, और इसके साथ में कल वो राज्यपाल को पीएम के नाम पत्र भी देने जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से? पत्र दें, बाकी करें, हमको पत्र से मतलब नहीं है, तुम ट्रकों पत्र ले जा के दो। हमारा एक मुद्दा है किसानों को 2500 रुपया धान खरीदी की व्यवस्था तत्काल 1 तारीख से करना चाहिए, जो जन घोषणा पत्र में लिखा है। भूपेश बघेल ने आज अपने वक्तव्य में बार बार ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजनीति कर रही है, अगर दिन है तो करीब 20-25 बार उन्होंने अपने वक्तव्य। अरे हम क्या राजनीति कर रहे हैं, वो तो वोट मांगे, सरकार बन गए, 2500 की कीमत के लिए जनता ने वोट दे दिया, अब क्या राजनीति? वोट देने के बाद जनता को ठगने का प्रयास हो रहा है, ये दोहरी चाल कांग्रेस की चाल है। सर, डेट क्या डिसाइड हुआ है, किस तारीख? 1 तारीख को पूरे प्रदेश में 1380 सहकारी समिति सोसाइटी है जहाँ धान खरीदी केंद्र होता है, उन सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक दिन के धरना देगी। और विधायक दल हम लोगों ने तय किया कि 2 तारीख को गवर्नर महामहिम से समय लेकर उनको ज्ञापन देंगे। भैया आइए, रोशनी।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।